हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। ये देखिए, प्राथमिक भर्ती को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इसमें आप देखेंगे कि किस बारे में महत्वपूर्ण अपडेट है और ये आपके कितने पदों पर भर्ती होनी है। आपको पता ही है, सबको पता होगा, 2900 से ज़्यादा पद हैं, इस पर भर्ती होनी है आपकी। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आपके लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसमें देखिए, आपके भर्ती के बारे में है कि आपने जब आवेदन फॉर्म अप्लाई किया था तो उसमें कोई त्रुटि तो नहीं की थी, कोई गलती, या कोई आपने गलत फॉर्म तो आवेदन नहीं किया है? अगर आपने कोई गलती, मिस्टेक या त्रुटि की है तो आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है। इसमें कहा गया है कि आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है। देखिए, इसमें देखते हैं विस्तार से क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है, देखिए, इसमें ज़िले के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कवायद शुरू हो गई। नियुक्ति प्रक्रिया में 190 पदों के लिए 2338 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ये हमारे हल्द्वानी की खबर है, हल्द्वानी जिला नैनीताल। नियुक्ति प्रक्रिया में 190 पदों के लिए 2338 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में एक पद में 12 से अधिक दावेदार हैं। बता दें कि ज़िले में सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए बीते 10 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह 1 जुलाई तक चली। हाईकोर्ट के आदेश 12 जुलाई से 20 जुलाई तक फिर आवेदन की प्रक्रिया चली। अब भीमताल डायट में आवेदन पत्रों की जाँच की जा रही है। अफसरों ने बताया, आवेदन पत्रों की जांच के बाद शासन के आदेश के बाद काउंसलिंग, आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। देखिए, कहां पर आपको यह की जा रही है, भीमताल में। आगे देखते हैं, इसमें जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनमें कई ने अपने आवेदन पत्र गलत भर दिए हैं। कुछ बीएड, बीए और बीएससी पास अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है। इसके अलावा अन्य राज्यों के युवाओं ने भी आवेदन किया है। अफसरों का कहना है कि गलत भरे आवेदनों को निरस्त किया जाएगा। देखिए, जिनके आवेदन गलत भर गए हैं उनको निरस्त कर दिया जाएगा। भीमताल में जांच चल रही है इन पदों पर। 190 पद हैं ये, 2338 लोगों ने आवेदन किया है और 12 ऐसे कहा था कि ऐसे में एक पद के लिए 12 उम्मीदवार हैं और इसमें आपके 10 जून से लेकर आपकी प्रक्रिया चली थी, जिसमें फिर इसको बढ़ा दिया गया था। इसको कब कर दिया गया था, 20 तारीख तक कर दिया गया था, 20 जुलाई तक आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया था सारे। और ये खाली हल्द्वानी की बात या नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, ये उत्तराखंड में जितने भी जगह पर ये फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। अगर कोई त्रुटि की है आपने, कोई गलती की है फॉर्म भरते समय, कोई भी आपसे कोई भी गलती हुई हो तो फॉर्म आपके निरस्त हो सकता है। इसलिए आपका प्रत्यावेदन लगाने का मौका दिया जा रहा है। यदि आपने कोई गलती, कोई भी चीज़ में त्रुटि की है तो आपको फॉर्म आपका पोर्टल पर अपलोड कर दिया जा रहा है, उसमें आप दे सकते हैं। आयोग उसमें जहाँ भी ये जांच हो रही है उसमें साफ साफ आपका पोर्टल पर आवेदन फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है। उसमें आपकी गलती को, आपकी त्रुटि को निर्धारित किया जा रहा है कि आपने ये त्रुटि की है, आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन का भी मौका दिया जा रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि संशोधन का मौका नहीं दिया रहा है। इसलिए आपने आवेदन के लिए अपडेट रहें। अपडेट रहने के लिए आपको मैं रोज़ बताता ही हूँ, तो इसलिए आप रोज़ इस चैनल पर अपडेट रहकर देख सकते हैं क्या महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। यदि आप इस चैनल पर रोज़ अपडेट रहेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी के साथ में आपके आवेदन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। कोई भी त्रुटि या कोई भी आपसे सूचना छूटेगी नहीं। कोई त्रुटि अगर आपने की भी है तो संशोधन के माध्यम से आप उसको सही कर सकते हैं। अगर आपने सही नहीं किया तो आपका आवेदन फॉर्म निरस्त हो सकता है। ये देखिए, आगे इसमें कह देखते हैं इसमें क्या कहा है। आगे इसमें कहा है, ज़िले देखिए, इसको देखिए, ज़िले में सहायक अध्यापक के 190 पदों के लिए 2338 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इन दिनों आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है। जो वहां के प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने कहा है, आवेदन फॉर्मों की जांच की जा रही है और जिन फॉर्मों में हमें गलत सूचना पाई जाती है, गलत आवेदन पाया जाता है या दूसरे राज्यों से आवेदन पाए जाते हैं,
तो उनके आवेदन को निरस्त किया जाएगा, या फिर किसी ने फॉर्म आवेदन करते समय गलती कर दी है उसका भी फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। यह अच्छी महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।